इस देश में जन जन के मन में मोदी है और एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। हिंदू समाज को बांटने के लिए जातिवाद का विष फैला के वोट ले लेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया है। और आज के रिजल्ट में कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया है कि क्या अब भी राहुल गांधी इंडिया अलायंस को लीड करेंगे। कांग्रेस का अब इस देश में कोई विश्वसनीयता बची नहीं है कि अब भी क्या कोई औचित्य है कि आप कांग्रेस को बिहार में 6 से 8 लोकसभा सीटें देंगे। बड़ी जीत मिली है, देखिए कल के जो चुनाव के परिणाम आए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि इस देश में जन जन के मन में मोदी है और एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। कांग्रेस और इंडी अलायंस के दलों ने मिलकर जो रणनीति बनाई थी कि प्रलोभन और रेवड़ी बांट बांट के जनता को वोट खरीद लेंगे, या हिंदू समाज को बांटने के लिए जातिवाद का विष फैला के वोट ले लेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया है। जनता पूरी तरह से मोदी के साथ है। मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, आज मिजोरम के रिजल्ट आया है। मिजोरम में 95% से अधिक क्रिश्चियन भाई है हमारे, उन्होंने भी पूरी तरह से कांग्रेस को नकारने का काम किया है। कांग्रेस जो कभी 34 सीट लेके आती थी मिजोरम में, पिछले चुनाव पे 5 सीट पे आ गई थी, और आज के रिजल्ट में कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया है। 1 सीट मात्र पे कांग्रेस आके रुकी है। तो जात धर्म सब छोड़ते हुए कांग्रेस का अब इस देश में कोई विश्वसनीयता बची नहीं है, देश मोदी के साथ है। इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट नहीं थे, इसीलिए जो है हार हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं तो अब ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हार है, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय नीतीश कुमार जी से कि क्या अब भी राहुल गांधी इंडिया अलायंस को लीड करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं माननीय लालू प्रसाद यादव जी से कि अब भी क्या कोई औचित्य है कि आप कांग्रेस को बिहार में 6 से 8 लोकसभा सीटें देंगे। तो ये समस्या तो उनको फरियाना है, भाजपा का तो साफ है, देश मोदी जी के साथ है। और 24 में हैट्रिक रिपीट होगा, मोदी जी प्रचंड बहुमत से पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये एक सच्चाई है, जाति समाज की एक सच्चाई है। जाति आधारित जो वंचित वर्ग है उसको रिजर्वेशन देने के लिए भाजपा हमेशा खड़ी है, उसके समर्थन में रही है। लेकिन अगर हिंदू वोट को बांटने के लिए जाति का प्रयोग होगा तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है, और उसका जवाब जातिवाद करने वालों को दे दिया गया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।